बढ़िया से सब पतंग उड़ रही है, और वहाँ पे वहाँ से कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे आके बहुत बढ़िया है ये देखो। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज हम लोग जा रहे हैं काइट फेस्टिवल, जो कि अहमदाबाद में लगा हुआ है रिवर फ्रंट पे। ये देखो काइट फेस्टिवल किधर है, काइट फेस्टिवल कहाँ है? कार्ड नहीं है, कैसे जाने का? यहाँ से अच्छा ओके। अपने को कैसे जाने का यार, जाना हो तो यहाँ से देख तो सकते हैं ना। ओके मतलब रजिस्ट्रेशन किस चीज़ का थोड़ा बताएंगे, मतलब पतंग उड़ाने वाला होता है इतना जानते हैं, एंट्री लेने के लिए। अच्छा एंट्री लेने के लिए सिर्फ ओके। तो पैसा लगता है इसका कितना होता है? पैसे नहीं लगते आ रहा है इसलिए देना पड़ेगा। अच्छा कार्ड हो ऐसा ओके नहीं अच्छा उल्टा अच्छा जाओगे नीचे उल्टा अच्छा आएगा आपका, ऐसा दिखेगा कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी को बता रहे हो, ऐसा दिखेगा इसमें। चलो ओके हाँ तो गाइस यहाँ पे कार्ड लेना पड़ता है, जैसे कि आपने सुना अभी। और तो कार्ड अपने पास है नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था, हमने किसी को हम इंस्टाग्राम पे ऐसे रील वील देख के आए थे। एंड यहाँ देखो कितना बढ़िया मस्त सजाया हुआ है G2 का। एंड वहाँ पे गाइस देख सकते हो, वहाँ पे पूरा काइट फेस्टिवल हो रहा है। पतंग एक भी नहीं उड़ रही है, शाम को उड़ेगी ऐसा लग रहा है। यहाँ तो हम लोग लेट आए, यहाँ तो हमें पता नहीं कौन सा टाइमिंग है इसका, और अभी इतनी पब्लिक भी नहीं है, और काफ़ी धूप भी है, ठंडी का माहौल है, बट गर्मी हो रही है। अभी हमने देखो कुछ पहन के भी नहीं रखा है। हम लोग बाहर की साइड है, तो यहाँ पे ऐसे मस्त खड़े रहने की जगह है। एंड यहाँ पे देखो काइट शो का एंजॉय कर रहे हैं। सो गाइस वो देखो वहाँ पे सोरो वो पतंग देख, उड़ाने में देखो ये भी अपने छोटे बच्चों की तरह उड़ा। वाह यार बहुत ही बढ़िया फीलिंग है। अभी थोड़ी धूप है इसलिए थोड़ा लग रहा है, बट शाम के टाइम पर बहुत मज़ा आएगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं सारे स्टेट वाले, एंड यहाँ पे कंट्री वाले कहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टेट्स वाले राजस्थान पंजाब कर्नाटक, एंड वहाँ पे यूएस वहाँ पे बाहर की कंट्री से भी आए हैं लोग, वहाँ पे सब बाहर की कंट्री वाले। सही बात है, मौसम बढ़िया है। हमारे इंडिया वाले, इंडिया का नाम तो सबसे पहले ऊपर होना चाहिए। You can't. You fucking it up. Yeah, you just my pen. You just my pen.
यहाँ पे देखो कितनी बढ़िया से सब पतंग उड़ रही है, और वहाँ से कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे आगे बहुत बढ़िया है। ये देखो पब्लिक भी बहुत सारी है, एंड ये देखो पतंग उड़ा रहे हैं सब लोग। छोड़ो कैसा लग रहा है? बहुत मस्त। फर्स्ट टाइम आया ना तू कई फेस्टिवल? अमेजिंग। जाते हैं अंदर उड़ाने हम भी शाम को। शाम अभी धूप बहुत। यहाँ पे पेच पेच लड़ाते नहीं लड़ाते? नहीं, रस्सी तो है, रस्सी से उड़ा रहे हैं। एक बार ये रस्सी देखे ना यार, कौन सी रस्सी है वो उड़ा रहे हैं। सबने पार्ट लिया है क्या सौरव इसमें? हाँ, मतलब सब अलग अलग कंट्री वाले, अलग अलग कंट्री वाले, ये सारे कंट्री है। ओके सही गाइस, सामने आप देख रहे हो सारी अलग अलग कंट्री है और सब लोगों ने पार्ट लिया हुआ है। अंदर नहीं जा सकते यार, हमारे पास कार्ड नहीं, हमको पता नहीं था एक्चुअली, बट नेक्स्ट टाइम अगर नेक्स्ट ईयर लगेगा तो सौरव राजस्थान पंजाब है, उसके बाद केरला वाले। कंट्री नहीं है एक्चुअली, स्टेट है। स्टेट है वहाँ पे, उस तरफ कंट्री वाले। अच्छा, उस तरफ कंट्री वाले। ओके, वहाँ पे देखो यूएस का। एक मिनट, एक मिनट गाइस, अभी हम लोग काइट फेस्टिवल से बाहर निकल गए हैं। वैसे वहाँ पे पतंग उड़ा रहे हैं काफ़ी सारे लोग, एंड शाम को ज़्यादा मजा आएगा। लेकिन यहाँ पे ना काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी है, जो कि मैंने हम भी फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे। सोलो ये कौन सा एरिया है? ये अटल ब्रिज के बाद है ना, गांधी ब्रिज आता है। अच्छा, गांधी ब्रिज। हाँ, गांधी ब्रिज के बिल्कुल। तो अगर आप लोग रिवर फ्रंट आते हैं तो गांधी ब्रिज वाली एरिया में आना, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं एक्टिविटीज़ दिखाता हूँ काफ़ी ज़्यादा है, और अपनी फैमिली के साथ आओ, बच्चों के साथ आओ, काफ़ी बहुत बढ़िया एक्टिविटीज़ है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी नीचे जाते हैं हम लोग। मोस्टली यहाँ पे लोग ज़्यादातर रील्स बनाने आते हैं एंड वीडियोस बनाने आते हैं। अभी तो यार देखो, हर पॉइंट पे रील तो जरूरी, कंपलसरी है, रील तो चाहिए चाहिए, नहीं सौरव? हाँ, अपने मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी नीचे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। वाह यार, ऑसम है यार, सीन देखो गाइस, पूरा मस्त सीन है। बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ है यहाँ भाई, मज़ा आ गया है आज। हाँ, वहाँ पे भाई, यहाँ पे फोटोशूट का लोकेशन है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? पेमेंट चाहिए वहाँ पे फोटो से? पेमेंट बिना भाई, फ्री वाली चीज़ें अपने को पसंद है बहुत। अभी हम लोग अंदर नहीं जा रहे हैं बिकॉज हमें किसी में बैठना नहीं है, बट यहाँ पे देखो कितना बढ़िया मतलब माहौल है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है यहाँ पे देखो यार। और वहाँ पे क्रूज शिप भी है बड़ी वाली। सो पूछ तो, टिकट कितने की है वैसे? 1500 रुपये 2 पर्सन। क्या बात कर रहे हैं, कोई किस में मतलब 1500 रुपये में? कोई भी बैठो, कोई भी बैठो 1500 रुपये में भाई, ज़्यादा हमें पता नहीं है। 2 पर्सन 1500 रुपये। अगर आपको पार्टी वगैरह करना हो ना, हैप्पी बर्थडे मनाना हो, या कभी भी कोई पार्टी करनी हो, क्रूज पार्टी करनी हो, तो देखो यहाँ पे क्रूज पार्टी भी हो सकती है। यहाँ पे पता नहीं कितनी टिकट होगी यहाँ की, बट बढ़िया है यहाँ पे, मतलब ये चीज़ देख के अच्छी लगी अहमदाबाद में, मतलब काफ़ी कुछ है। एंड वहाँ पे देखो साइकिलिंग चल रही है, ये रिस्की है बहुत। हाँ सौरव, नहीं रिस्की नहीं है। एंड यहाँ पे मिलती है टिकट? अच्छा, तो भाई टिकट का प्राइस 3 जने के लिए नहीं है कुछ? टिकट का प्राइस देख लो, 2% 1500, कैंडल वाली 2100 रुपये टिकट का। 200 रुपये हम लोग तो नहीं जा रहे हैं, हम लोग ले नहीं रहे फिलहाल, हम लोग सिर्फ देखने आए हैं, नेक्स्ट टाइम जाएंगे कभी। आ जा। अच्छा, ये बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए है, बड़ों के लिए। एंड यहाँ पे देखो गाइस क्रूज, यहाँ पे इस तरह की शिप वगैरह में चलती है। मैं आपका नीरो भाई, तो मतलब यहाँ पे थोड़ा बताएंगे प्राइसिंग के बारे में। सर नॉर्मल स्पीड बोट है उसमें 300 रुपीज़ पर पर्सन। अच्छा, और स्पीड बोट है उसमें 1100 में 2% है। 1100 में 2%, सिंगल पर्सन के लिए नहीं है, 2% होंगे तो ही जा सकते हैं। सर फिर जेटस्की भी है 500 पर पर्सन, लेकिन अभी वो अंडर मेंटेनेंस है सर। अच्छा ऐसा। एंड यहाँ पे ज़्यादातर कौन से टाइम पे पब्लिक रहती है? मोस्ट ऑफली शाम को सर। शाम को रहती है, ओके अच्छा लगा यार। थोड़ा इन्फॉर्मेशन के हम लोग ब्लॉग में दे रहे हैं लोगों को, तो लोग आए यहाँ पे घूमे, थोड़ा अच्छा लगे और कुछ नहीं।